तेरा मन देखो भाई मिलवा ला फिर ना कहने का हूं। जेंगड़े तेरा हर बेर का यू सिस्टम हो रहा वा दिन तो आके स्कूल में मिलवा के लाया मैं तो वा दिन मैंने तुम्हें जलेबी खवाई आज समोसे खवा रहा हूँ। हाँ जलेबी तो खवाई चलो समोसा भी ठीक है पर जेंगड़े मो नू तो बता हर बेर जब भी जा तू वहाँ देखने जा वहां देखो तू कभी आज तक देखेगी आज ना देखेगी कल देखेगी देखेगी जरूर दोनों जेंगड़े तो कब देखेगी यार अमन भाई मिलवा ला। अरे तो मिलवा लाऊंगा यार खा तो लंदा अब एक तो तू इतने सस्ते समोसे लावे चटनी भी कम लाओ चल ठीक है कोई सऊदी का शेख आ रहा जिसकी खिदमत में दाल से वो बिस्कुट लाने जरूरी है तमीज सीख ले जरा बहुत जब तुम वहाँ जाता जब तो तुझे नमकीन भी चाहिए बिस्कुट भी चाहिए और मीठा और मंगावे वो ना लाके देते तुझको खालिद से तुलना कर रही है तू उस बुरी शिकल वाले जाहिल की खालिद ने सारी जिंदगी सम्मान कमाया कौन पूछता उसको कोई नहीं खालिद आज भी जहाँ खड़ा हो जाता है ना 20 कदम दूर से निकलते हैं लोग बाग मुँह ना लगना चाहता तेरे को इसलिए 20 कदम दूर से निकलते वैसा आ क्यों रहा यहाँ पे मनहूस मुझे बुखार हुआ इसलिए मुझे देखने आ रहे कहाँ का हकीम है कहाँ से डॉक्टरी करी इसने जो तुझे देखने आ रहा क्यों किसी का सुख दुख में आया ना जाता अब तू ऐसा मुझसे तो दिमाग मारे मत मुझ पर फालतू पैसे ना किसी पे उड़ाने के लिए ऐसे जाहिल तो रोज घूमते खाली टाइम नहीं निकालता है नौकरियों अब आ मत जाइयो तू घर के तरफ झाक मत जाइयो क्यों इस घर को तू अपने घर से लाई जो ना आऊंगा मेरा घर है रोज आऊंगा सुबह शाम आऊंगा उनका बतला रही है ज्यादा 10 रुपए के दाल से होके मारे इतने झाग बखेर रहा पता ना बद दिमाग में कब अकल आएगी अरे जेंगड़े यार कितनी देर लगेगी इतनी देर से खड़ा कर रखा हूँ जल्दी आ जा नहीं मैं भाग जाऊंगा रुक जा भाई रुक जा ए भाई ना 2 मिनट और रुक जा मन भाई अरे ना भाग रहा यार पर जल्दी उतरिया या कोई घर को आगो ना आगो पापा तो तू सुधार देगा मोह सुधार देगा आ जान दे आगे तो पापा पागल है ए जेंगड़े वैसे तो ये लड़की के चक्कर में लग क्यों रहा है एक बार मेरा यासु बिहा हो जान दे या के बाप पे बहुत पैसा या के बाप पे तो मैं जहर दे के मार दूंगा फिर सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी ए जेंगड़े यार एक बार ये लड़के मोह देख लन दे रमन आज तू मोह देख लन दे तू फिर काय दिन देख लियो लकड़ी शीशम की लकड़ी कट्ठा की लकड़ी लकड़ी अंकल जी पाम छुई छुआ बचना है तो भाग जाओ भाग रहा हूँ जी अमन तुम उतार ले कल को जाके स्कूल में चलेंगे दुनिया में कितना गम है मेरा गम
कितना कम है, दुनिया का गम देखा था मैं, अपना गम भूल गया। ए जी मैं यूं कह रही, इल्लत्ता ने धोए के तंसी चाय बना दी ना। ऐसा धनी होशियार मत ना बने, अपना आप जाके बना ले। उंगली पकड़ के पहुंचा ही पकड़न लगी। ए देखिए तो मैं पता तो सारिया मो बुखार हो रहा, मोसू डॉक्टर ने आराम करने कही है। ये डॉक्टर ही तो ले रहे हमारे घर के नौ से, 10 दिन हो गए तेरा आराम ही ना खत्म होकर दे रही हूँ, थाली की मार रही है थाली की। शर्म लिहाज तो है ही ना, अपने पति परमेश्वर पर बुढ़ापे में काम करवा रही है। चाचा कहाँ गिर गए पता ना, इन्हें देखे क्या ढूंढ रहे हो चाचा, क्या खूगा? अरे कहाँ, बस पूछे मत ना, 10 रुपया गिर गए सारे में ढूंढ लिए पान और रहे। चाचा ये वाला नाटक उसके संग करियो जिस पे ये बीता ना हो। अभी 3 दिन पहले ही मैं भी कपड़े धुल्ला, आदमी आगा, मैं भी आदमी को देख के एक ऐल लगा, भैया पैसे खूगे मेरे, पैसे ढूंढ रहा हूँ कपड़ों में। अरे खालिद ये मजबूरी करवावे जो भी कुछ करवावे, अब पर चल के बैठेंगे चल, अन्य बुढ़िया जो है ना बेर बेर कुछ ना कुछ नया काम बताती रहेगी। हाँ भाई अब सुना कहा बात है, हमारे तो सुबह सुबह आफत आ रही है, कभी गोबर गेरो, कभी चाय बनाओ, कभी बासण मांजो, अब लत्तान पे लगा दिए, चैन नहीं है एक मिनट को भी कतई। चाचा ये सारे मसले तो जिंदगी के साथ चलते हैं, तुम्हारे संग थोड़ी अलहदा हो रहा, हमारे संग भी होता रहता। तुम एक काम करो चाचा, लो मैं तुम्हारे लिए मास्क लाया हूँ, मास्क लगाओ जरा। अरे अपने मास्क अपने धोरे धरे रख, हमें जरूरत ना। तुम्हारी मर्जी है चाचा, देखो मेरा फर्ज था तुम्हें इंतला करना, मैंने कर दिया, तुम्हें ना लगाना मत लगाओ। क्या इंतला करना चाह रहा हूँ? मास्क दे जल्दी मास्क। अब ना मास्क, अब तो रहन दो तुम। यार खालिद तू तो बड़ी जहरीली गैस छोड़े, काय दिन निकलता बढ़ता जो है ना हमारे खेत पे को आई हो, मुंजी में जो है ना कीड़ा लग रहा है, या गैस है होच के छोड़ देगा तो सारा कीड़ा जो दम तोड़ देगा। चाचा सबसे बड़ा कीड़ा तो आज हमारे घर पे आ रहा। तू तो ऐसा कह रहा हो जैसे तेरा साडू आ रहा हो भाई। बिल्कुल सही फरमाया चाचा, वही मनुष्य तो आ रहा घर पे, इसीलिए तो मैं घर से बाहर ही कल आया, जो सहजादे की शिकल न देखनी पड़ा मुझे, नाम धरवाया सहजादा और शिकल देख ली ना तुमने, ईमान से ये कहोगे इसको डिलीट क्यों ना करवाते हो इस बुरी शिकल को? क्यों आ रहा? चाचा रुखसाना को 3 दिन पहले वायरल बुखार बन गया, अल्लाह की फजल सब एकदम सही है रुखसाना, अब जाहिल का दिमाग देखो तुम, जब तो आया ना जब उसे बुखार हो रहा, अब 3 दिन बाद आ रहा हकीम उसे देखने के लिए। यार बुखार तो हमारी लुड्ढो भी हो रहा, जी जानो आ जावे हच के। चाचा इंतला ही मत करियो, पता ही मत लगने दो, आके फिर क्यों झाकेगा जब पता ही ना लगेगा उसे। अजी हमार कहा मतलब, हमारी बोल चाल ना भैया, हम ऐसे वास्ता ही ना रखते, जा दिन से चूहड़पुर में मुआवजा मिला ना, मुआवजे के पैसा की हवा बढ़ रही है, अब तो खुद के लेंटर पड़ रहा, जा दिन हमारे आवे है ना गाटरन ने गिने, अब तो उन दिन ने भूल के जब खुद के भी कड़ी पड़ रही, 1978 की बात है, 2 कड़ी मांग के ले गो हमारे सु, आज तक भी लौटा ही ना, वैसे बनाई रही। चाचा सारा मसला समय का, अगर इंसान का समय अच्छा चल रहा तो इंसान सबको भूल जाता, दोस्तों को रिश्तेदारों को सके संबंधियों को, फिर ना देखता हो ना की तरफ झांक के भी, और जैसे ही बुरा वक्त आता भटूरे से आंखें खुल जाती हैं, फिर मुंह फाड़ कर सबको पुकारता आ जाओ मुझे बचाओ। चाचा हमारा जो साड़ू आ रहा आज, 4 साल पहले पान की दुकान लगाता था, अब चूना लगाते लगाते इसने परचूना का काम डाल लिया, अब ना जब भी आता ना तो मुझसे पता क्या कहता आके,
भाई जाना पान का काम कर लो, पान के काम में बहुत पैसा। अब चाचा झाइल से को ये पूछे, अगर पान के काम में इतना पैसा मिल जाया तो क्यों आया भैया तू परचूने की लाइन में? पान ही बेचता ना तू। धोरे लगावे काहे कुए बोल चाल बंद राख भारी तरह। महारो तो भैया खाली एक ही सिद्धांत है, जो रिश्तेदारी में हमसु निभाले हल्को कौम काज है वाको वहासु तो राखे हम बनाए के, और जहाँ पे चार पैसा हमसु फालतू है हम नए बोल चाल रखते भैया वासु, हम तो वाते छिड़ेर। चाचा रुखसाना की फुप्पो से इन्हीं बातों पे तो बिगाड़ खाता चल रहा मेरा। रुखसाना के फुप्पो का बड़ा लौंडा बनकर डॉक्टर, और डॉक्टर भी छोटा मोटा ना MBBS डॉक्टर बना। अब चाचा मुझे भी खुशी बाप ना साला, मैंने महल्ले में सबसे कांपना साला। चाचा महल्ले में कुछ लोग जो बहुत बीमार चल रहे 8-10 लोगों को मैं इकट्ठा करके उसको अस्पताल लेगा। अब चाचा अस्पताल में फीस का पर्चा देखा तो 800 रुपये, पर मेरा तो साला चाचा मैं सीधा उसका केबिन में लेगा। मैं भैया दवा दे ना, मैं उसने चाचा मेरा मान भी रखा, दवाई दे दी सवा को, मैं उन्हें उल्टा लिया। गांव में आके मैंने चाचा क्या करा, मैं 800 था ना भैया, लेकिन 400-400 रुपये की उघाई मार दी उन्होंने, 400-400 रुपये इकट्ठा कर लिए मैंने। अब ये बात चाचा पता लग जाती है रुखसाना की फुप्पो को, उसका मुझे आया फोन, कहने लगी तू चोर है बेईमान है। बस चाचा इतना सुनते ही मैंने फोन काट दिया, बहुत गुस्सा आया मुझे, तब से ही बिगाड़ खाता बन गया। अब एक बात बतलाओ चाचा, इस खालिद ने आज तक अपने अब्बू की तो सुनी ना, रुखसाना की फुप्पो की सुन लेता क्या? 3600 रुपये की बात ही जिना के लिए खालिद को सुना रही है। बस चाचा तब से ही बोल चलना धरे रख, बका अपनी धर्मशाला को रखे रख तू। ना यू तो तेने बढ़िया करो, बल्कि 3600 रुपया ना वाके मुंह पे दे के मार तो। अरे चाचा चार ही, वो तो मैं लौटा दू, वो तो मैं ही बेशरम बन का मक दूंगा तुझे, एक पाई ना दू। 3600 तो बहुत दूर की बात है चाचा, बल्कि चाचा महल्ले में बात फैल गई, जिनों में लेगा वो सही हो गए, और भी कहने लगे मैं हमें दिखवा दे अपने साले के अस्पताल में। मैंने चाचा बुराई करी साले की, बगा बढ़िया डॉक्टर ना, जाली कागजात है, अच्छा अस्पताल ना, मैंने ना जान दिए एक भी। फिर ले मुझसे कितने पंगे लेगी, मैं इसकी बदनामी करूंगा, जितना मुझसे चिढ़ेगी उतना मैं भी चिढ़ूंगा। अब्बू बुला रहे हैं वो तुम्हें। तेरा खालू आगा होएगा घर पे? हाँ दे। मैं तो जब ये मनहूस चला जाए ना घर से, तब आकर बतलाई हो मुझे, तब आऊंगा मैं घर पे। जब तक तू इसके लिए सूखी चाय बनवा बिना दूध की। अपनी अम्मी तो जाके न्यू कह दीजो, अम्मी अब्बू मुझे मिले नहीं थे, पता नहीं कहाँ गए। चाचा ऐसे क्या, मैं डर रहा हूँ, मैं खुल के कह दियो मिल गए पर आना रे अब्बू। अब्बू भाई ठहरी जाएंगे जल्दी आए। कौन चली जाएगी? थाला। यो, यो, यो। मैं तेरी खाला भी है ये? हाँ अब्बू, थाला ही तो बुला रही तुम्हें। बता बेकू पहले से ना बता सका तू मुझे? अब्बू तुम बोलने कहाँ दे रहे हो? अब तो एक काम कर, घर पहुँच और अपनी अम्मी से कह दिया सूखी चाय ना दे, मैं जरा भी आ रहा हूँ, मैं मेरा इंतजार करेगी। ठीक अब्बू। भाई अब कैसे करेगा तू? जाना पड़ेगा चाचा, क्या करूँ, बात छाड़ू की होती तो मैं ना जाता, उस मनुष्य को तो मैं ना देखना चाहता, लेकिन बात चाचा साली की आ गई है, अब तो जाना पड़ेगा वरना बुरा मान जाएगी, भाई आए ना। चल रहा हूँ चाचा। सरप्राइज कर दिया मुझे यार। अब कह तो कौन भी हंस गए हैं। बाजी अब जीजा कहीं जा रहे हैं काम वाम पे या ना? हाँ चल रही है एक दो जगह बात, अभी जवाब आया ना, जब जवाब आएगा जब जाएंगे। अजी नियति ना काम करने की, कितनी दफा बोला मैंने पान का खोखा डाल लो। ए, कैसी बात कर रहे हो तुम, जीजा के बस की ना दुकान वकान करनी, मुझे तो डोलने से ही फुर्सत ना। ए नजराना मैं तेरे आने से पहले चाय चढ़ाए उसको, देख लो कभी निकल जावे। ठीक है बाजी। भाई नजराना ये तो तुमने मुझे हैरत में डाल दिया, मुझे ना पता इस मनुष के संग तुम भी आ रही हो, वरना मैं तो घर से ही नहीं निकलता। आदाब जीजा आदाब। अरे आदाब आदाब, साली साई में बैठो ना, खड़ी की हो आप भी ना। मेहमान सा दिन बनगा आज का। इसमें क्या लाए हो जीजा? इसमें आपके लियो, मैं जैसे ही मुझे पता लगा नजराना आ रही है, मैं जो एक तो दुकान पे पहुंचूंगा, दाल से लाया हूँ तेरे लियो, दाल सेव पसंद है ना नजर है ना तुझे, और देख
खर्चा बोटा खरा बिस्कुट लाओ फिन्नी फेंक और दिखलाता हूँ। मुझे पता नजराना को क्या सबसे ज्यादा पसंद है, डोंगे सहित समोसा ना जवाब एकदम। मैं पकड़ खाना तू यार मुझे दो ही लाया हूँ बस मैं। जीजा इन सब की क्या जरूरत थी? देख ले नजराना करे बाबली बातों को ना, जरूरत तो तुझे इस मनुष्य की भी ना, इस मनुष्य के संग भी तो अपना टाइम काट रही है तू ना। तुम अभी तक नाराज हो इनसे? तुझे क्या लग रहा मैं नाराजगी में इसके लिए ये सब कह रहा हूँ? इसका इतना बुरा मुंह है नजराना ही मान से, अगर हमारे गांव में किसी का होता ना पाबंदी लगा देते सिकल पे, घर से बाहर निकलता ही ना, कब का डिलीट करवा देते हमारे गाँव कैसे। तब देख ले इनो को, जितनी इज्जत कर रहा हूँ उतनी बेइज्जती कर रहे हैं मेरी। मैं जाहिली से बेइज्जती बतला रहा, अपनी किस्मत अच्छी मान तुझे बेइज्जती करके ही छोड़ रहा हूँ, वरना तुझ जैसों को स्विच ऑफ करके फेंक देता खाली। नजराना एक दफा इसकी तरफ नजर तो घुमा, वह कितना बुरा मुंह है यार, इतने बुरे मुंह के संग कैसा जी रहा तू। नजराना तुम्हारे घर का आईना भी इसकी शिकल को देख कर अपनी शिकल बदल लेता होगा ना। जीजा तुम इन्हें छोड़ो और सुनाओ। और बढ़िया चल रहा नजराना, सुबह से दिन कड़वा कड़वा ही कल लाया, लेकिन जब से तुम आई हो माहौल में मिठास घुल गई है। खाओ समोसा ठंडा हो जाएगा, मैं तुम्हारे लिए गर्म लाया। पहले इन्हें दे दूं? अरे पागल हो रही नजराना, मैं जाहिल हाथ को फैला रहा इसमें से निकाल, जो ले निकाल ले तेरे लिए भी लाया मैं, खाओ तुम खाओ। लाए जी तुम कुछ? कुछ कह रही है कुछ? अरे बहुत कुछ लाया हूँ ले। पहले तो तुम कुछ और ही बतला रहे। पहले तूने मुझे बतलाया साली साई बा रही है, मैं तो ये समझ रहा है मनुष्य आ रहा बस। मेरी बात सुन लिया इधर को और शहजादे, अगर नजराना का मुझे फोन आएगा कि तू ना घर पे झगड़ा करा, ईमान से फिर तू मुझे जाने याद होएगा तुझे तेरे घर का पिछला कोठरा, वहीं भगा भगा का मारूंगा। नजराना घबराना ना तुझे जरा भी, अगर ये तुझसे कुछ भी लम निकाल दे मुंह से मुझे फोन कर दिया बस तू, मैं तो चक्कर में घूम रहा हूँ इसके, मैं मेरे दरवाजे बैठा हुआ ना, मैं तो इसे भी सुधार देता। कैसा बनना समोसा, बढ़िया ना? बहुत बढ़िया भाई, खाओ। तेरे लौंडा के रिश्ता वाले आई कहिए, कैसे रही उनकी? आज रिश्ते वाले तो आए हैं, पर लौंडा भी मना कर रहा है ब्याह को, पहले नुकारा नौकरी करूंगा उसके बाद ब्याह करूंगा। भाई फिर तो बढ़िया सोच है तेरे लौंडा की, यहाँ बात में तो हमारी किस्मत लोटी पड़ी है, एक हमारो है को ब्याह के नाम पे तो राजी हो वे कूद जाए एकदम, और ड्यूटी को कह दो तो हंस रोवे रोल लगे, ड्यूटी नहीं करूंगा पहले ब्याह करवाओ। अच्छा तुमने अपना बोटा बिगाड़ रखा, उसे धमका कर रखा करो। अजय खूब धमका लिया मैंने, कभी चट्टा दू कभी चौटे लगा दू मामे में, पर मौन नहीं दो बेहा एक नंबर को। बाबा ले नाम लेता बेहा आगो। हाँ पता कहा है? ए बाबा रोटी ना बनाई, भूख लग रही है बहुत जोर की। तो शर्म नारी तेरा बाबा रोटी बनाएगो। ए ताऊ हमारी माजी बुखार हो रहा, जब माजी बुखार में पड़ी है तो रोटी कौन बनाएगो? मेरा ब्याह तो इन करवाना दिया जो मेरी बहू बना देगी, जब मेरा ब्याह नहीं हुआ और माजी बीमार पड़ी है तो बाबा ही तो बनाएंगे, बाबा ही बचे बाबा बनाएंगे रोटी। देखा 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 छल्ला देखो, आगे न हुई बात, आजकल के बालक दो कदम आगे चलते हैं। चाचा कह रहा चल जाएगा, दो लप्पड़ लगा कर रखा करो इसमें, एक कदम भी आगे न चले। ताओ तब मेरे बाबा यहाँ बैठ कर ज्ञान दे रहे हो, पहले अपने जेंगड़े में लगाओ दो लप्पड़, पहले वहाँ सुधारो। हमारा तो सुधरा हुआ चाचा, हमारा जेंगड़ा घर से मुस्सू भी अगर पूछे एक कदम बाहर नहीं रख सकता। कहाँ होगा कैसा सर?
बाबा करी ने मैंने सच्चाई बता दी ना, इनका जैंगड़ो घर में सु लिकट के कहो कहो झोंकता डोल है, तो इनके कोनन में खून लिकट जाएंगे सुन के। खून निकल जाते तू बगर सच्चाई बता। अरे रहन दो ताऊ, खो मोखार कोनन में खून आ जाएंगे सच्चाई सुन के। रहन कहां दे दे, खून निकलेंगे तो अपने कोनन में रुई लगा लेगा, तू बता। बताऊं तो ताऊ बताऊं? बता बता। बाबा इनका जेंगड़ो जो है ना एक लौंडिया के पीछे पड़ रहो, कभी तो वाके स्कूल पे चक्कर काटेगा, और आज तो बाबा हद कर दी जेंगड़े ने, मोपनी गैल लेगो वाके घर, और वाके घर में झोंक रहो। अरे एक बार मेरा यहाँ तो बिहाव जानते यहाँ के बाप का बहुत पैसा, यहाँ के बाप तुम्हें जहर देकर मार दूंगा। अंकल जी पांच छुआ बच्चा है तो भाग जाओ। भाग रहा, बाबा मेरी क्या गलती है बताओ। दादा उरे को आजा। यारी दोस्ती में चले कर रहे हैं ऐसे बाबा, तमी तो कह करो। हाँ हाँ चले रोती वह बिगड़े लखी गल तो जाने की भाई। ए बाबा मन में समोसे खवाए। समोसे खवाए थे? ए भाई बात बता, वो तो समोसे खवाए के अरे आप मारने को कह लगो, तू तो फिर आ भी मार दीजो। अरे झूठ बोल रहा है, हमारे जंगड़ा ऐसा ना। ताऊ थारा जंगड़ा ऐसा ना हो तो एक काम करो, पौन सात मिनट यहीं बैठे रहो, अभी आ लेगा बाकी मरम्मत होली होएगी, पिट छत का सीधा मेरे धोरे ही आ, अभी आने वाला होएगा, अपने औखन सु देख लीजो। है भाई छल्ला, फिर तू डोडे परे ना बैठ जावे दुबक्के, वो आएगा और यू अपना आप सच्चाई लिकड़वा लेगा वापस, हम सुन लेंगे। अमन आगो आगो आगो, परे चल ले तू पकेंगे, चल परे को जल्दी, तू पक जाओ बाबा, तुम जल्दी सो, मैं लिकड़वा लूंगा अब सारी सच्चाई। हाँ जेंगड़ा यूरो में आजा। यार अमन तुम पिटने को छोड़ आया, अच्छी बात है तेरी। तो सो कितनी देर सो कह रहा है मैं उतरिया उतरिया जाएंगे, उतरा तू। यार मेरा बात देखने को जी कर रहा है, मेरे को मैं उतरा ही ना फिर। जब भैया उल्टे काम करोगे तो छित हो गई। यार कल को आगे स्कूल में चलेगा, मैं तो जलेबी खवाऊंगा। मेरे धोरे टाइम ना हो भैया फालतू घूमने को, तू ये लौंडिया के चक्कर में दिख रहा ढंग का, दिन मोह भी छितवा आएगा। बेटा तो एक बात बताए दू जाएंगे, जा दिन तेरे पापा पता लग गए तू इनको मन न कर रो, तेरा बाप तो भगा भगा का मारा को। ए, ए, आ, मेरा बाप तो आधा पागल है, वहां तो मैं नुई चला दूंगा। बीच में क्या भगड़ मत देखा था भी। बीच में गेल लो इनका को खींच के लाओ रे, खींच पापा रे, खींच के लाओ। क्यों रे ध्यान लो ताऊ, यहाँ लो बाबा पाम पकड़ लीजिए। बाबा बता ताऊ मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, ताऊ और की बेइज्जती करवा रखे। ओ बाबा ओ बहुत बढ़िया पापा ना हो, पापा ना हो, चलना रुक भाई रुक, तू तो हल्का पड़ रहा है यार, जब ही तो बिगड़ गई औलाद, हम बताएंगे कैसे अपने पोते पीटू में, रुक जा। ओ बाबा कैसे करोगे बाबा, लोगों पकड़ रहे हैं, पकड़ लिया बाबा ने, पापा ने मारा कहानी ऐसे। ओ बाबा ना तेरा कूद का बताओ, अगर फिर का पीछे सो दौड़ कर एक फिर। ओ पापा ना क्यों क्यों। था राम राम जी भैया, कैसी लगी वीडियो? वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल करिए सब्सक्राइब। अरे अपने यारे प्यारे दोस्त रिश्तेदार संबंध में वीडियो भेजे कर लोग। चुप रहे चुप, कौन की बात करन देता।
सबन में भेजे करो वीडियो ने और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी करवाए करो, ठीक है ना। और छल्ला थोड़ा कम भतेरा पीट लियो, कैसा मारेगा ये बालक है। अरे ऐब कम करे करे, ठीक है ना। हाँ मैं भी बोलूँ बाबा थोड़ा सा। हाँ हाँ बोल तू भी। सब पाम छुई छुआ जी मेरी ओर सु, हमारा जी कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करके बताएं। हम आपकी सबकी कमेंट पढ़ते हैं और ऐसा ना सोचें कि आप भाई कुछ चीज़ें ऐसी बोल देते हो मतलब कमेंट में कि भाई ये चीज़ बदलो वो चीज़ बदलो, आपको ऐसा लगता होगा कि शायद हमें वो बुरा लगता है। नहीं, आप अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ चीज़ें नहीं बताना चाहते हैं तो हम अपनी उन गलतियों में सुधार करते हैं। देखिए आप हमारे सबसे अच्छे शिक्षक हैं क्योंकि आप हमें ऑब्जर्व कर सकते हो, आप हमें देखते हो, तो आप हमें हमारी खामियां ज़रूर बताया करो ताकि हम उन्हें सुधार कर सकें। बाकी आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद और अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। बाकी आपको दिल से धन्यवाद है, आप हमें इतना प्यार और सपोर्ट देते हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और संटाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें, मैं वहाँ अलग अलग वीडियो डालता रहता हूँ, इन्हें भी फॉलो करें संटाग्राम पे। बाकी जी राम राम जी, राम राम जी, हाथ जोड़ी जोड़ा जी, पावन में लोटी लोटा जी।